CSAB। हाँ जी, आज मेजोरिटी लाखों बच्चों की जेई के अंदर रैंक आ रही होगी, हजारों लाखों के अंदर। जी भैया, 2 लाख, 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, इतनी ज्यादा रैंक है भैया। हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हम CSAB में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, क्या सारा प्रोसेस है, शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं CSAB की। वैसे अगर आज मैं बात करूं, हमारे देश में एवरेज हाउस होल्ड इनकम 1 लाख से कम है, लेकिन हर पेरेंट्स अपने बच्चों को आसमान में उड़ाने की सोचता है। तो अगर बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है भैया, हाँ, कंप्यूटर साइंस लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना है, अगर वो लोअर ब्रांचेज में जाएगा, देखो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि आपको जो मेजोरिटी कॉलेजेस मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे, आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ, मणिपुर, मेघालय, असम, हाँ, ना वहाँ पे इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फंडिंग कुछ नहीं है, है तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेज, हाँ, बस कॉलेज खड़े हैं, वो भी कहाँ पे खड़े हैं, किसी शहर में नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगा भैया, जहाँ पे उसको सस्ती जमीन मिल रही है शहर के बाहर, बहुत सारे जो होते हैं ना, तालाब हो गए या फिर अदर अदर एरियाज हो गया, आप जंगलों के अंदर हो गया, वहीं पे ऐसे IIT NIT सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को बनाया जाता है, वहां पे बस आप सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल के अंदर रहते हो, प्रोफेसर की डांट, आप असाइनमेंट नहीं किया तो फेल कर दूंगा, बस ये सारा प्रोसेस रहता। एक और सबसे इसका बेड इंफेक्ट क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 4 लाख रैंक होती है, 5 लाख, 6 लाख, जिनको मिल नहीं सकता सीट, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है मिलना, वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे लगा देते हैं भैया, हाँ, 44,000 लगा देता हूँ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीट तो कोई अलॉट होता नहीं है और वो पैसे फंस जाते हैं भैया, हाँ, 3 महीने 4 महीने। अगर अपन एवरेज अगर बात करें तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स को उनका मनी मिलेगा वापिस जनवरी के अंदर, हाँ, दिसंबर के अंदर, अब वो बाहर भी एडमिशन कहाँ पर ले भैया, हाँ, फीस तो वहां पे फंसा हुआ है। मेजोरिटी बहुत सारे बच्चे छोड़ ही देते हैं ब्रांचेस को, फील्ड को, भी हमें जाना ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है यार, इसका सॉल्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। आप जो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को, अगर आपकी रैंक 2 लाख है, 1.5 लाख है, 2.5 लाख है, आप अगर स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भैया, हम SC कैटेगरी से हैं, हम ST से हैं, OBC वाले छोड़ो, हाँ हाँ, आप तो आप अप्लाई करिए, आपको अच्छा इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, लोकेशन भी ठीक होगा, लेकिन मेजोरिटी बच्चों को क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, नोएडा, मुंबई, पुणे, ये लोकेशन चाहिए, हाँ, लाइफ स्टाइल लेकिन हाई ब्रो, व्हाट्सएप डूड, इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी फंडिंग, ये भी सब कुछ चाहिए भैया, स्टार्टअप भी करना है, UPSC भी करना है, YouTube भी करना है, बट इट्स नॉट बी पॉसिबल इन दिस कॉलेजेस। बहुत सारे कॉलेजेस आपने देखे होंगे, जम्मू कश्मीर में कोई कॉलेज है, श्रीनगर में कोई कॉलेज है, मिजोरम में कोई है, मणिपुर के अंदर कोई है, चले तो जाते हैं बच्चे भैया NIT गए हैं, लेकिन रियल के अंदर 1% भी बेनिफिट होता है उन बच्चों को। अगर कोई मणिपुर में है, अगर कोई मेघालय में है, अगर कोई नागालैंड के अंदर है, तो कैसी जिंदगी होती होगी उनकी। हाँ जी, कॉलेजेस, मेजोरिटी कॉलेजेस शहर से बाहर बने होते हैं, बड़े बड़े जंगलों के अंदर, बच्चों के पास एक ही ऑप्शन रहता है, आप पूरे के पूरे कैंपस के अंदर घूम लो 1-2 वीक तक, उसके बाद में हॉस्टल में गुजारो, और मेजोरिटी आपको हॉस्टल के वीडियो जैसे क्यों दिखाई देते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों के, वही उनके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, नोएडा, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा रहती है भैया, तुम बाहर निकले तुमको इन्वेस्टर भी मिल जाता है भैया, तुम्हारे पास कोई आइडिया है, इंक्यूबेशन सेंटर भी है, फंडिंग भी मिल जाता है, इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी, प्लेसमेंट भी हो जाएगा आप। लेकिन आप अगर बिहार में रहोगे, आप अगर झारखंड में रहोगे, आप कैंपस से बाहर निकलोगे, आपको मिलेगा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बेरोजगारी, धरना प्रदर्शन और रियल जलाओ, हाँ, और आपको वहां पे पौवा वाला भी मिल जाएगा, हाँ जी पौवा, आप डोंट वरी यार, इसका वैसे आप लोगों के पास एक सॉल्यूशन भी है, दैट स्केल्ड कॉलेज जानकर, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम। हाँ, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहां पर क्या होती है, सीटें वैकेंट रहती है, हाँ, तो कॉलेज जानकर क्या करता है, आपकी हेल्प करता है टू प्रोवाइड द बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। स्पेशली पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में वैसे बहुत अच्छे अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, आप कंप्यूटर साइंस ले
कर लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, और वहां पे मेजोरिटी बच्चे क्या करें कनाडा जा रहे हैं, ओई फ्रांस ओई जर्मनी ओई जापान, आप उनको टारगेट करो। उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, और कहां भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, आप उनको टारगेट करो। आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल लगा सकते हो। दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम हम आज रन कर रहे हैं, आपका 100% आपको ब्रांची भी मेरे को एरोस्पेस करना भैया, हां क्या स्कोप है इसके अंदर, मेरे को मिसाइल इंजीनियर बनना है, सैटेलाइट बनाना है मेरे को, हां उसके लिए मैं क्या करूं, हां मेरे को एमए इंजीनियर बनना है मेरे को, हां हां भैया मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनना है मेरे को, हां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर, हां कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, डोंट वरी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है कॉलेज जानकर। बोर्ड लाइन नंबर पर नंबर दिया, फिर बोल रहा हूं मैं आपको, कोई नहीं आपकी टक्कर में, पढ़े हो किस चक्कर में, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम भी आज हम रन कर रहे हैं, जोसा और सीएसए भी जैसी काउंसलिंग के अंदर आप जो है अब थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अभी आपको अप्लाई करना है नहीं करना, अलॉट हो सकता है नहीं हो सकता, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अगर हो रहा है तो काफी हो रहा भैया, हाँ जम्मू कश्मीर हिमाचल मणिपुर मेघालय मिजोरम वहां पे भी हो रहा है, हाँ हमारे मेजोरिटी फैमिलीज में क्या होता भैया, हाँ बच्चा संडे मंडे को घर भी आ जाए, खाना भी खा लेगा, हाँ एक दो महीने से घर भी आ जाएगा, लेकिन ऐसी लोकेशंस में ट्रेन भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, हाँ दंगे सिटीज खाना कैसी कैसी जिंदगी होती है।